कहते ना कि जीत या हार से पहले की खुशी और गम आपको डुबा ले सकती है। उसी तरह से कुछ हो रहा है आप कह सकते पेंडेमिक के साथ। चाइना ने ऐसे ही सिर दर्द दी पूरी दुनिया को कि उससे उभरना मुश्किल है, नहीं कहीं ना कहीं आप कह सकते बहुत मुश्किल हो चुका है। मूवी से लेकर, शो से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर सब कुछ इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी मूवीज़ जो है पेंडिंग पर पड़ी हुई थी। 83 की मूवी की बात कर ले, चाहे फिल्म सिर्फ सूर्यवंशी मूवी की बात कर ले, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ तक कि अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी बॉम्ब को तो OTT पे रिलीज़ करना पड़ रहा है। अब हमें न्यूज़ आ रही थी कि नहीं, सूर्यवंशी अगर दिवाली तक नहीं आती तो उसे हम जो है OTT पे बेच देंगे, OTT पे रिलीज़ कर देंगे। न्यूज़ आ रही थी कि 83 नहीं आती तो 83 भी जो है OTT पे रिलीज़ हो सकती है। लेकिन अब इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग चुका है। या दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये दोनों मूवीज़ कब रिलीज़ होने वाली हैं, तो पहले बात करते हैं 83 की। देखिए 83 के बारे में अगर हम बात करें तो 83 वर्ल्ड कप की इसमें स्टोरी होने वाली है और पूरा का पूरा भारत इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। इसकी जो रिलीज डेट फाइनल की गई है वो है क्रिसमस। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस 2020 पे ये मूवी रिलीज़ होने वाली है और आप कह सकते हैं लगभग लगभग फाइनल हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रणवीर सिंह के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कब रिलीज़ होंगे, कब उनका जो है थिएटर में हमें देखने को मिलेंगे, वो बात बात की है। लेकिन 83 जो उनका प्रोजेक्ट है वो ज़रूर क्रिसमस 2020 पे रिलीज़ होने वाला है। फिर अगर बात करते हैं दूसरी बड़ी मूवी की, जो कि है सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी की रिलीज़ डेट आप कह सकते हैं जा चुकी है 2021 पे। जी हाँ दोस्तों, अब ये मूवी थिएटर्स में 2020 पे रिलीज़ नहीं होगी, सीधे थिएटर में रिलीज़ होगी तो होगी 2021 में। तो जितने भी लोग वेट कर रहे थे रिलीज़ डेट का, तो ऑफकोर्स अब आपको पता चल गया होगा सूर्यवंशी रिलीज़ होने वाली है 2021 में। कहा जा रहा है कि जनवरी से मार्च के बीच में, और वहीं 83 की बात करें तो ये रिलीज़ होने वाली है क्रिसमस 2020 पे। वेल, आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।